हाँ जी, वेलकम टू एकेडमी, वेलकम टू चैनल नॉलेज 365 पे सभी का स्वागत करता हूँ। और स्टार्ट करते हैं आज की फिजिक्स के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आते हैं, दो तीन सालों से जो आ रहे हैं फिजिक्स में, वो आज अपन सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, रजत पारिक, जनरल साइंस मेंटर एंड आई एम अ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई हैव गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एंड आई हैव आल्सो क्रैक सम एग्जाम्स लाइक एसएससी सीपीओ एएलपी रेलवेज एंड एसबीआई क्लर्क प्री। गुड इवनिंग भावना, वेलकम। अकेडमी अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपके प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको क्या मिलता है, डेली लाइव क्लासेस मिलती है। हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके साथ आपका लाइव इंटरेक्शन रहता है, लाइव एंगेजमेंट रहता है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं, क्वेरी सेशंस पर अलग से आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और लाइव टेस्ट सभी तरह के एग्जाम्स के लिए अवेलेबल रहते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, चाहे एसएससी के एस्पायरेंट है, रेलवेज के हैं, या यूपीएससी के, या फिर आईआईटी के भी हैं तो भी, ठीक है। और अनलिमिटेड एक्सेस रहता है आपका सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लान का। एक प्लान लेने पर आपका जो स्टडी मटेरियल जो होता है, रेफरेंस बुक्स वगैरह की, आपको एक्स्ट्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अनअकैडमी आपको सब प्रोवाइड कराता है, ठीक है। गुड इवनिंग आरजे, नमस्ते एसके, एंड गुड इवनिंग अमृता, वेलकम, ठीक है। चलिए, और अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये भी होता है कि आप एक बार प्लान लेते हैं उसमें आपको कई सारे बैचेस में एनरोलमेंट मिलता है, अलग अलग बैचेस में आप खुद को एनरोल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर। रजिस्टर करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करते हैं आप प्ले स्टोर से, वहीं से उसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप, जैसे मैं एसएससी में पढ़ाता हूं, अगर आप एसएससी के एस्पायरेंट हैं तो एसएससी एग्जाम्स को मैनेज गोल्स ऑप्शन में जाकर यहां से ऐड करेंगे। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, सारे प्लान्स जो पेड प्लान्स आपके सामने यहां पर विजिबल होंगे, 1 महीने से लेकर 24 महीने तक के प्लान्स होते हैं, और आप जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा प्लान ले सकते हैं अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और सभी प्लान्स के जो रेट्स हैं, हाईएस्ट जो है वो प्लान है 2 साल का, जो 7200 आपका प्राइस होता है जिसका, उस सभी पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है RP100 कोड इस्तेमाल करने पे। और यही कोड इस्तेमाल करने पे आपका क्या होता है, आपका जो फ्री क्लास होती है, फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, अनलॉक हो जाते हैं, ठीक है। चलो, हाँ आज क्लास नहीं था मॉर्निंग में क्योंकि प्रॉब्लम थी इसलिए, ठीक है, बट अब कंटिन्यू करते हैं क्लास, है ना, कंटिन्यू रखेंगे क्लास। यही सारे प्लान्स हैं, और अगर आप एक्टिवेटेड लर्नर हैं अकेडमी के तो अपने क्रेडिट्स को रिडीम भी करेंगे और इस कोड को भी डालेंगे तो 10% से अधिक आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये सारे प्लान्स जो इन पर 10% डिस्काउंट होता है, लाइक देख सकते हैं आप, जैसे 7200 6480 में कन्वर्ट हो जाता है इस कोड को इस्तेमाल करने पर, और फ्री क्लास एंड फ्री टेस्ट आपके जो है वो अनलॉक हो जाते हैं इसी कोड से, ठीक है। क्लास नहीं था, 24 आवर्स थोड़ा मुझे चाहिए था रिकवर करने के लिए, तो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ फीवर, हल्का फुल्का, अभी ठीक है, ठीक है। और अनअकैडमी पे कॉम्बैट चल रहा है, बैंकिंग कॉम्बैट, रीजनिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट्स पे आपको एक कॉम्पिटिशन लाइक एग्जाम देना है। हर संडे जो है ऑल्टरनेट संडेज को चलेगा ये, और आप वाउचर्स जीत सकते हो उसमें 1000 रुपये के, यानी कि आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मैथ्स और इंग्लिश, तो आप इसको कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों के रीजनिंग और मैथ्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जिनकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग है तो उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये संडे को 20 दिसंबर, आने वाले 20 दिसंबर सुबह 10 बजे एग्जाम होगा, इसको जरूर ज्वाइन करना। उसके बाद आपको इस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है उसके वीडियो सोल्यूशन डिटेल में बताए जाएंगे अनअकैडमी की तरफ से, ठीक है। तो जो पैटर्न है बता देता हूँ, 30 मिनट आपको मिलेंगे, 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 30 मिनट में, ठीक है। ध्यान रखिए, ईजी नहीं है बट क्या है, कॉम्पिटिटिव है पूरा इसका जो वो है, फॉर्मेट है पूरा कॉम्पिटिटिव है, तो उसको देना जरूर है, ठीक है। और ठीक है, और इस एग्जाम को सुबह 20 दिसंबर 10 बजे आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाके एनरोल करना है खुद को, ये आपका जो उसका टाइटल नेम है अनअकैडमी कॉम्बैट है, आप अनअकैडमी कोड इस्तेमाल करके खुद को एनरोल कर सकते हैं इस कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है ना। और जिसके प्राइजेस देख सकते हैं, काफी अच्छे प्राइजेस हैं, रैंक 1 होल्डर्स जो होंगे उनको 50,000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं डायरेक्ट 50,000 रुपए की, और सेकंड रैंक वाले को 30,000 का, थर्ड रैंक वाले को 20,000 का, और 4 से लेकर 100 रैंक तक जो जिनके भी आएंगे उन सभी को 1,000 रुपए, ठीक है। ये आपका डिस्कशन यहाँ खत्म होता है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है, ये देख सकते हैं आप। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु फाउंडेड एंड नेम्ड द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, विद्युत चुंबकत्व जो होता है, क्योंकि विज्ञान की खोज और नाम किसने दिया, ये पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, बताइए। माइकल फैराडे, जेम्स क्लर्क, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड और एंड्रे मैरी एम्पियर, बताइए। हाँ
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सीजीएल सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। हु फाउंडेड एंड नेम्ड द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। आरजे बोल रहे हैं सी, विनोद बोल रहे हैं माइकल फेराडे, अमृता बोल रही है सी, भावना ने बोला डी, भावना आप बिल्कुल सही आंसर दिया, एंड्रे मैरी एम्पियर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। नेम्ड एंड फाउंड भी किया और नाम भी दिया, किसके विज्ञान को, विद्युत चुंबकत्व के जो विज्ञान है उसका जो नाम है, दोनों ही किसने दिए थे, एंड्रे मैरी एम्पियर ने। आज आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, फर्स्ट का आंसर होगा डी, ठीक है ना, बिल्कुल फर्स्ट का सही आंसर है डी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, टीवी रिमोट कंट्रोल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस सिद्धांत पर टीवी रिमोट कंट्रोल वर्क करते हैं ये आपको बताना है, टीवी के रिमोट्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं बताइए। सेकंड का डी बता रहे हो, भावना डी बता रही है, एसके डी बता रहे हैं, अभिषेक इंफ्रारेड बता रहे हैं डी मतलब, और अमृता भी डी बता रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इंफ्रारेड इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जो उसके अंदर ये होती है इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, और वो टीवी रिमोट कंट्रोल में सहायक होती है ना, सपोर्ट करती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, ये लिखा है जे.जे. थॉमसन रिसीव्ड द नोबल प्राइज, नोबल प्राइज लिखा है यहाँ पे, नोबल प्राइज रिसीव किया था जे.जे. थॉमसन ने इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ, किसकी खोज के लिए नोबल प्राइज मिला था उनको फिजिक्स के अंदर जे.जे. थॉमसन को, ये बताना है। हाँ बाल्मर सीरीज, अमृता वेरी गुड, ठीक है सही। अभिषेक कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, और आरजे बोल रहे हैं बी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, इसमें सब पता होना चाहिए। प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की किसने की थी जे जे थॉमसन ने, आंसर चेंज कर लो अपना भावना, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है, ये तीन आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने, ठीक है। आंसर होगा सेकंड, थर्ड का आंसर होगा सेकंड, और सेकंड थर्ड का सेकंड हो गया इलेक्ट्रॉन। ये फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, पायरी क्यूरी थे, हस्बैंड थे मैडम क्यूरी के, शेयर्ड दी 1903 नोबल प्राइज इन फिजिक्स विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ शेयर किया था उन्होंने, अवार्ड लिया था नोबल प्राइज 1903 में फिजिक्स में, किसके साथ, मैडम क्यूरी के साथ और हेनरी बेक्यूरल के साथ, ठीक है। हेनरी बेक्यूरल आपने नाम सुना होगा, फॉर देयर डिस्कवरीज रिलेटेड टू, हाँ बताइए किसकी डिस्कवरी से रिलेटेड उन्होंने ये नोबल प्राइज रिसीव किया था, इन तीनों ने, पायरी क्यूरी ने शेयर किया था मतलब इसके साथ लिया था अपनी वाइफ के साथ में, और हेनरी बेक्यूरल के साथ में प्राइज। थर्मोडायनामिक्स, मिरर इमेजेस, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरेज, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या दे रहे हो, सी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी आंसर दे रहे हैं। एसके, भावना, विनोद, अभिषेक, अमृता, आरजे, ठीक है बिल्कुल सही, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता के लिए अवार्ड मिला था इन लोगों को, ठीक है ना। चलो लैंडस्केप मोड में देखो, लैंडस्केप मोड में क्वेश्चन बड़ा दिखेगा, पोर्ट्रेट में छोटा दिखेगा, ये रोटेट कर लो स्क्रीन को, बड़ा दिखेगा। क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ डैश कोडिफाइड द फर्स्ट टू लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड डिड्यूस्ड दैट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसने बताया था कि एब्सोल्यूट जीरो जीरो टेम्परेचर जो होता है जीरो केल्विन होता है, उसकी वैल्यू होती है -273.16 डिग्री सेल्सियस, ही वॉज ऑनर्ड फॉर दिस विद द नेमिंग ऑफ द केल्विन टेम्परेचर स्केल। उन्होंने केल्विन टेम्परेचर स्केल जो चार तरह के होते हैं, डिग्री सेल्सियस स्केल होता है, एक केल्विन होता है, एक फेरनहाइट होता है और एक आपका र्यूमर होता है, इन चार स्केल्स में से एक स्केल दिया था उन्होंने, तो नाम बताना है आपको। फिफ्थ का आंसर दे रहे हो डी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक तो याद करो, रॉबर्ट हुक किसमें इस्तेमाल किया था आपने, है ना, लिविंग सेल्स देखे थे उन्होंने, जिंदा जो कोशिकाएं होती हैं पॉन्ड के अंदर यानी तालाब के अंदर, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, और तो नहीं होगा। फिफ्थ का आंसर दे रहे हैं कैसे, बी विलियम थॉमसन, ठीक है, विलियम क्रूक्स बोल रहे हैं, ठीक है, एस के बिल्कुल सही बोल रहे हो, विलियम थॉमसन इसका आंसर होगा,
विलियम थॉमसन वॉज द पर्सन हु कोडिफाइड फर्स्ट टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। हाँ, और इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टू लॉज को थर्मोडायनेमिक्स के, क्लॉसीज स्टेटमेंट, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। क्लॉसीज स्टेटमेंट भी अगर कहीं ऑप्शन में दिखे, विलियम थॉमसन ना दिखे, तो इसको भी करेक्ट कर देना, क्लॉसीज स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। आज आप सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ। एक डिस्टेंस की यूनिट होती है नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है एक नॉटिकल माइल, ये बताना है आपको। 2000 मीटर के बराबर होती है, 1852 मीटर के बराबर होती है, 1672 या 2450, बताओ। हाँ, केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, बताओ। सिक्स का अभिषेक बोल रहे हैं 1852, ठीक है, बी। और क्या बोल रहे हैं, और एस के बोल रहे हैं बी, अमृता बोल रही है बी, गुल्लू जी बोल रहे हैं सी, ये देखते हैं, सी बोला है गुल्लू जी ने ना, ये वाला। और चेंज किसने किया आंसर, आरजे बोल रहे हैं बी, भावना बोल रही है बी, विनोद बोल रहे हैं 1672 सी, और गुल्लू बोल रहे हैं 1672। देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको याद रखना, 1852 मीटर होते हैं एक नॉटिकल माइल में, कितने होते हैं 1852 मीटर, ठीक है। एक लाइट ईयर जो होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है, उसमें आपके कितने होते हैं मीटर, 9.45 × 10^15 मीटर, ठीक है। और एक और डिस्टेंस की यूनिट होती है पार्सेक, तो एक पार्सेक जो होता है उसमें कितने होते हैं, 3.26 लाइट प्रकाश वर्ष होते हैं, ये और बड़ी यूनिट होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो सिक्स का आंसर हो गया बी, याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1672 मत कर देना, गलत हो जाएगा आंसर, 1672 पे आप यूं यूं तो कर रहे हो, ठीक है ना, 1852 मीटर होते हैं, रास्ते पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, ध्वनि की तीव्रता को मेजर करने वाला, मेजर करने के लिए जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, बताओ। डेसिबल, 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 किसी का आंसर चेंज नहीं हो रहा, सब डेसिबल दे रहे हैं ना, करेक्ट है, डेसिबल होती है। और साउंड की एक और यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जिसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, उसकी आपकी क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है, इसको एच जेड बोलते हैं, या बोलते हैं सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है आप। सेवंथ का आंसर हो गया डी, एट्थ पे आ जाओ, ठीक है। What is the unit of measure of a magnetic field? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, ये बताना है। बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताओ। एर्थ का कोबाल्ट, ओम, टेस्ला, एम्पियर, एर्थ का आंसर दे रहे हैं सी, भावना दे रही हैं, गुल्लू भी सी बता रहे हैं, और विनोद भी टेस्ला बोल रहे हैं, या अभिषेक डलहौजी, और डलहौजी, डलहौजी नहीं, डलहौजी, ठीक है। और ये यहाँ पे क्यों बोल रहे हो डलहौजी, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, पूछा होगा किसी ने। इसका आंसर हो गया आपका क्या, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला आंसर हो गया, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नाइन्थ पे। विंड टर्बाइन कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर, बताओ। विंड टर्बाइन जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर, कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं विंड टर्बाइन, ये बता रहे, बताओ। केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है विंड टर्बाइन, न्यूक्लियर एनर्जी को करता है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को करता है, या फिर गतित ऊर्जा को करता है, काइनेटिक एनर्जी को करता है। हाँ, डी है ना, बिल्कुल, विंड टर्बाइन भी किसको करता है, गतित ऊर्जा को करता है,
विंड टरबाइन क्या होता है, जिसमें आगे एयर के द्वारा जो वो सर्कुलेट करती है, विंड मिल्स जो होती है ना, मतलब उसकी पंखड़ियां सर्कुलेट करती हैं, फिर वो शाफ्ट को घुमाती हैं, शाफ्ट घूमता है, टरबाइन घूमता है, तो डायनामो कनेक्टेड होता है उससे, यानी जनरेटर, वो मैकेनिकल पावर उसमें कन्वर्ट हो जाती है विंड की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल पावर में उसकी। आंसर होगा डी, 9th का डी। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th पे। व्हाट इज द एसआई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, बताओ। इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, ये बताना है आपको। लक्स, ओम, फेरड, सीमेंस, बताइए। बताओ। ठीक है, क्या आंसर होगा? सीमेंस आंसर दिया किसी ने, और अच्छा एसके बोल रहे हैं, लक्स। एसके आप लक्स क्यों बोल रहे हो? लक्स आपको पता नहीं किसकी यूनिट होती है? लक्स ही बताता हूँ आपको, लक्स होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट। कैंडेला होती है ऐसी, लक्स होती है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट। ठीक है, इसमें बोला जाता है कि एक ल्यूमन 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला होता है, वो लक्स बनाता है। ठीक है, ओम किसकी होती है? रेजिस्टेंस की, ठीक है, प्रतिरोध की। फेरेट किसकी होती है? कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करता है। सीमेंस किसकी होती है? कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस की ओम होती है, तो कंडक्टेंस की ओम इनवर्स हो जाएगी। और ओम इनवर्स को आप क्या बोलते हो? ओम इनवर्स को आप क्या बोलते हो? मो बोलते हो। बता दिया है भावना ने सबको कि सीमेन, मो, ओम इनवर्स तीनों होता है, करेक्ट। ठीक है, ये तीन उसकी यूनिट होती है, किसकी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। और लक्स की क्या, किसकी यूनिट होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ठीक है, चलो आओ 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी अदिश राशि है, ये बताना है। अदिश, तो अगर एक अदिश होगी तो सारी क्या होंगी? सदिश वेक्टर होंगी। तो आप वेक्टर देख लो या स्केलर देख लो, आपको जैसा सही लगे। वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है, मास इंटू जी, जी इंटू एम, ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेट इंपल्स होता है, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, और यंग्स मॉडुलस होता है आपका क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन होता है वी माइनस यू अपॉन टी, बताइए। हाँ जी, क्या आंसर दे रहे हो? हाँ, इंडक्टेंस की हेनरी होती है, सही कह रहे हो, ठीक है ना। और ये आंसर दिया वेट। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। आप देख सकते हो जो यंग्स मॉडुलस है वो एक रेशियो है स्ट्रेन और चेंज इन लेंथ का। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब होता है एक तरह से फोर्स जो लगता है, फोर्स पर यूनिट चेंज इन लेंथ, लेंथ जो होता है डायमेंशन में चेंज जो आता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा। जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप स्ट्रेन से चेंज करोगे। स्ट्रेन क्या है? एक चेंज इन लेंथ होता है ना। तो ये जो स्ट्रेन है ये कैसी क्वांटिटी हुई? स्ट्रेन मतलब लेंथ, सिर्फ डिस्टेंस, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हुई, इसकी डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस की। वेक्टर अपॉन स्केलर करते हो, आंसर क्या आता है? हमेशा स्केलर, ठीक है ना। सेम प्रोडक्ट होंगे वेक्टर इंटू वेक्टर तो आपका आंसर वेक्टर आएगा, स्केलर इंटू स्केलर होगा तो आपका आंसर वेक्टर आएगा, अपोजिट पेयर होंगे तो आपका आंसर आएगा स्केलर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आप इसको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा यंग्स मॉडुलस। 11th का सी बिल्कुल सही आंसर है, यंग्स मॉडुलस। 12th पा जाओ, बताओ। Which among the following is false about displacement? इसमें से विस्थापन के लिए कौन सी बात गलत है? कौन सी बात ऐसी है जो विस्थापन के पर्सपेक्टिव से गलत बात है, बताओ। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात गलत है।
और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये बात सही है, नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कोई भी, डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये बात तो ठीक है। यूनिट मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है तब वो पॉजिटिव ही तो होगा, 1 मीटर होगा चाहे 2 मीटर होगा, सब पॉजिटिव ही तो होंगे, तो ये बात भी सही है, गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर दिया है 12th का 1, वो फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए वो सही है, फॉल्स स्टेटमेंट है इसलिए सही है फर्स्ट। ठीक है, बताओ क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अरे डी आंसर क्यों दे रहे हो तुम? डी आंसर दे ही नहीं सकते आप लोग, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब, जब भी, इसका कहने का मतलब ये है, आप ये समझ रहे होगे जीरो नहीं बोला इसने, इसका कहने का मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट जब होगा, जब कोई बॉडी डिस्प्लेस होगी तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना, ये कहने का मतलब है इसका, जब भी ये कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाएगा तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट जीरो एंड नेगेटिव होता है। अरे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, किसने बोल दी आपसे बात? यू आर डैम श्योर या फिर सुपर डैम श्योर? वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव आता है तब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं आपकी बात, बट जो वेलोसिटी के अंदर छुपी हुई चीज है, क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कभी नेगेटिव होती है? अगर वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, बात बताओ मेरी। बताओ, आप वेलोसिटी को नेगेटिव दिखा दो मुझे कहीं पे भी, वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव हो सकता है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, बट कभी वेलोसिटी नेगेटिव होती है क्या, कि -2 मीटर पर सेकंड कभी देखा है आपने? वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता। अरे यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना, एक सर्किल पे घूम के कोई इंसान यहां से घूम के दोबारा से यहां आ जाता है ना, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव एवर। इस केस में डिस्टेंस होगा 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, इतना हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है विस्थापन, हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम जिन्हें हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी वेग, ये भी हमेशा हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड के, चाल के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइन्थ से पढ़ते आई हूँ, मैं भी 9th से पढ़ता हुआ आया हूँ। ठीक है, हो गया ना? हाँ जी आरजे, मुझे भी नेक्स्ट पे जाना है, पर एक बार इनके इनके थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। बस मैं इतना बोल रहा हूँ, वेलोसिटी जो बनती है डिस्प्लेसमेंट से बनती है, देखो वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए क्योंकि टाइम भी पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होता है। चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, अगर ये 60 है और ये 80 है इनिशियल वेलोसिटी, तो वो -20 बटे टाइम हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आंसर होगा फर्स्ट, इट कैन बी पॉजिटिव सही बात है, इट कैन बी जीरो सही बात है, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है चलो, तीन पे आ जाओ। फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सीमेंस में मेजर की जाती है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिसको आप वी बोलते हो, जो डब्ल्यू अपॉन क्यू के बराबर होता है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, करंट फ्लो करता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, वो पोटेंशियल होता है। कंडक्टेंस आपका 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, वो कंडक्टेंस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू होता है। ठीक है ना, ये आपका होता है यूनिट लेस। ठीक है, बताओ सेकेंड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आंसर बताओ। 13वें का आंसर बता रहे हो आप, बी, बी बता रहे हैं अभिषेक। ठीक है, हाँ मुझे लिखा हुआ भेजना, मेरे को देखना है, जरूर भेजना, यहीं पे भेज देना जहां पे भी स्क्रीनशॉट भेज सको। ठीक है,
और एस के बी बोल रहे हैं, भावना बी बोल रही हैं, आरजे बी बोल रहे हैं, संदीप बी बोल रहे हैं और अमृता बी बोल रहे हैं। ठीक है, सीमेंस, सीमेंस इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की होती है। अभी क्वेश्चन आ चुका है एक तरह से, हाँ रिपीट बोल सकते हैं इसको, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा अलग वे में आया है, वो ऑप्शन में था पहले, अभी क्वेश्चन में आ गया है। ठीक है, हाँ तो अभी क्या है, सीमेंस 1/ओम इसकी यूनिट होती है कंडक्टेंस की, इसको आप बोल सकते हैं दोबारा से ओम इनवर्स, इसी को आप बोल सकते हैं मो, और इसी को बोल सकते हैं आप सीमेंस। ठीक है, 14th पे आ जाओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के बदलाव की दर, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, रेट ऑफ ये चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का आंसर आ रहा है वेलोसिटी फोर्थ, कौन दे रहा है अमृता। ठीक है, अभिषेक बोल रहे हैं फोर्स, ओके अभिषेक, अमृता ने आंसर किया चेंज, सी दे दिया है दोबारा से, है ना, इसको काट देता हूं मैं लोग। हाँ 14th का डी, 14th का डी दे रहे हैं भावना, वेलोसिटी चेंज कर रहे हो आंसर सबके सब। आरजे कह रहे हैं सी फोर्स, इंपल्स होता है, कोई बात नहीं गलत टाइप हो गया तो। धर्मेंद्र बोल रहे हैं डी, धर्मेंद्र बोल रहे हैं डी, ठीक है वेलोसिटी होता है भैया, वेलोसिटी तो इसके अंदर छुपा हुआ है देख सकते हो आप, इसको मैं लिख सकता हूँ मास बार वी माइनस यू अपॉन टी, क्वेश्चन पढ़ लो बस। और वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स होता है, आंसर क्या हो जाएगा फोर्स, वेलोसिटी आंसर क्यों दे रहे हो। और इम्पल्स, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, जिस इम्पल्स की आप बात कर रहे हो है ना, टाइम शॉर्ट टाइम के लिए जो बल लगाया जाता है, जिसकी वैल्यू 1 सेकंड से कम होती है, वो टाइम वो इम्पल्स होता है। इसकी यूनिट सेम टू सेम होती है मोमेंटम के जैसी, मास इनटू वेलोसिटी जैसी, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दोनों की सेम यूनिट होती है मोमेंटम और इम्पल्स की, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ इसका आंसर इम्पल्स होगा। इम्पल्स देखो 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 बता देता हूँ, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स वो होता है अगर 10 न्यूटन से किसी क्रिकेटर ने शॉट मारा बहुत तेजी से, 10 न्यूटन के बल से, है ना, 10 न्यूटन के बल से शॉट मारा है क्रिकेटर ने, फील्डर को कैच करना है, तो हल्के से हाथ 0.1 माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो हाथ थोड़ा सा पीछे करता है, जिससे कि फोर्स का जो बल है वो कम हो जाए। तो मान लो उसने 0.5 सेकेंड के लिए हाथ पीछे करा, तो ये इम्पल्स होता है, 10 × 50 यानी कि 5 न्यूटन सेकंड, ये ऐसी फोर्स होती है इम्पल्स, जिसकी यूनिट न्यूटन नहीं होती है न्यूटन सेकंड होती है, और न्यूटन सेकंड को ही आप बोल सकते हो क्या, 5 न्यूटन होता है क्या फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, इंटू सेकंड, इसको काट दो सेकंड से सेकंड को, इम्पल्स आ जाएगा आपका निकल के किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सेम यूनिट होगी किसकी जैसी, मोमेंटम की जैसी, इम्पल्स मोमेंटम की यूनिट इस हिसाब से सेम होती है, बाकी इम्पल्स एक अलग चीज है मोमेंटम एक अलग चीज। ठीक है, हिम्मत से काम लो सब ठीक हो जाएगा, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है ना, इतनी जल्दी पागल होने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो जो गलत करता है उसकी सही होते हैं बाद में। आ जाओ, फोर्थ आंसर हो गया 14 का, कितना हो गया 15th पे आ जाओ। फोर्स एक्ट्स अपॉन टू ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं स्थायी अवस्था में है ना, एक ऑब्जेक्ट ये रहा ए दूसरा है बी है ना, एंड हैविंग डिफरेंट मासेस, इसका मास है एम ए इसका मास है एम बी, ये बोल रहा है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सेम समय के लिए, दोनों का जो समय है जितने समय के लिए फोर्स लगी है, इस पे भी टी समय के लिए फोर्स लगी है, इस पे भी टी समय के लिए फोर्स लगी है, देन व्हिच ऑफ द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या चीज सेम होगी, मास इनके डिफरेंट है समय सेम है ना, और दोनों रेस्ट पे हैं, रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो है म्यू ए की, और इसकी भी जो इनिशियल वेलोसिटी है म्यू बी ये भी क्या है जीरो। अब तीन तीन चीज मिल गई है, वेलोसिटी यू बी यू ए टी यू टी एम, यू टी एम मिल गया, क्या चीज सेम होगी इनके लिए, हाँ बताओ आंसर, बताओ आंसर। अमृता बोल रही है काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2 mv2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम होगी तो
वी ए स्क्वायर बराबर होगा हाफ एम ए इज इक्वल टू हाफ एम वी वी बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। अगर इन दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो एम ए गुणा वी ए स्क्वायर बराबर होगा एम बी गुणा वी बी स्क्वायर के। एम ए अलग है एम बी से और ये दोनों हो जाएंगे जीरो इक्वल टू जीरो। सही चीज है ये, क्या लगता है? v इंटू एम बराबर हाफ एम बी इंटू वी बी। ठीक है, देखते हैं और बताओ आंसर, और बताओ काइनेटिक एनर्जी हो गया, और एस के बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, भावना बोल रही हैं, और अभिषेक बोल रहे हैं मोमेंटम। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स, ये पूछ रहा है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, देखो दोनों के एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ये भी जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी ये भी जीरो है। ठीक है, अब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, रेस्ट पे एक ऑब्जेक्ट है और वेलोसिटी दोनों की जीरो, यहां पे भी जीरो इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब जो चौथा ऑप्शन है वो है मोमेंटम ऑफ ए, वो क्या होगा, एम ए इंटू वी ए। मोमेंटम को आप और क्या बोल सकते हो, मोमेंटम को और क्या बोल सकते हो आप, अगर मैं यहाँ पे एम की जगह एफ इज इक्वल टू एम ए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, एम बराबर होगा एफ अपॉन ए। ठीक है, जो आपका इम्पल्स होता है, इम्पल्स होता है वो होता है फोर्स इंटू टाइम, है ना। इम्पल्स को आप मोमेंटम भी बोल देते हो, पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी भी होता है ना। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ एफ इंटू जो आपका ये है, हाँ सबके सेम आ रहे हैं ना, जीरो इज इक्वल टू जीरो सेम नहीं होता, वो जीरो है। ठीक है ना, सेम जो आएगा वो आपका क्या आएगा, एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है ना, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ये भी सेम है, पर इसका एक फॉर्मूला होता है इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है, तो इम्पल्स मोमेंटम भी कहलाया जाता है। ठीक है ना, तो इसको चेंज कर दो आप, किसमें किसमें चेंज करोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम फॉर द फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स, ये पूछ रहा है, किसमें चेंज करोगे इसको। हाँ मोमेंटम, मोमेंटम जो आंसर आ रहा है ना, हाँ ये बताओ मुझे, तो आपका जीरो इज इक्वल टू जीरो का लॉजिक नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो जब वैल्यू है तो वो सेम नहीं है, वो है ही जीरो। सेम क्या होगा दोनों का, एट एवरी पॉइंट दोनों रेस्ट पे हैं, सेम समय के लिए, टाइम इंटू जो मास है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो पी बराबर क्या होगा, एम ए इंटू टी। ठीक है ना, एम ए इंटू टी। ठीक है, मासेस दोनों के अलग हैं, बट जो इन पे फोर्स एक्ट होगी, फोर्स एक्ट होगी वो सेम समय के लिए हो रही है। जब सेम समय के लिए फोर्स एक्ट होती है तो जो इनका इम्पल्स है, यानी जो इनका मोमेंटम क्रिएट करेगा एक तरह से, वो सेम होगा, है ना। फोर्स इंटू टाइम जो है दोनों के सेम है, सेम फोर्स लग रही है ना, सेम फोर्स लग रही है इस पे भी, सेम फोर्स लग रही है इस पे भी, और सेम टाइम के लिए। और जब भी फोर्स सेम टाइम के लिए लगती है, इसका मतलब होता है उसका जो इम्पल्स लग रहा है इन दोनों के ऊपर, ए के ऊपर और बी के ऊपर, वो सेम है। और इम्पल्स जो होता है वो टेंड्स टू क्या होता है, मोमेंटम होता है। इम्पल्स की जो वैल्यू होती है वो मोमेंटम को बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखना। तो इस हिसाब से इसका आंसर मोमेंटम आएगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ना, इसमें आप फॉर्मूले से समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, पर इतना ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था इम्पल्स और जो आपका क्या होता है दूसरा मोमेंटम, इनकी यूनिट एकदम सेम होती है। इम्पल्स का जो इफेक्ट होता है वही मोमेंटम का इफेक्ट होता है। इम्पल्स कॉन्स्टेंट है तो मोमेंटम भी कॉन्स्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, हाँ इम्पल्स कॉन्स्टेंट है तो मोमेंटम भी कॉन्स्टेंट रहेगा। इम्पल्स की वैल्यू क्या थी, फोर्स इंटू टाइम थी, और इसमें बोल रखा है कि जो फोर्सेज हैं दोनों ऑब्जेक्ट पे वो सेम है, एट रेस्ट पे फोर्स लग रही है ना, मासेस डिफरेंट है लेकिन सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लग रही है। दोनों का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बाकी जो वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेशन है, इन सब तीनों के अंदर क्या आ रहे हैं, स्पीड आ रही है। इट सब ये रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एक्सेलरेशन ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो सेम और डिफरेंट होने का उसका कोई लॉजिक नहीं होता। एग्जिस्ट ओनली मोमेंटम करेगा जो कि सेम रहेगा दोनों का, ये ध्यान रखना है ना। हाँ मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दोनों का सेम होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो वो तो जीरो जीरो आ रहा है ना, तो बट जीरो जीरो तो सबका आ रहा है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है दोनों का जीरो,
काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आ रही है, वेलोसिटी भी जीरो आ रही है। मैं आपको ये भी बता सकता था इसका जो मोमेंटम है ए का ये भी जीरो है, बी का मोमेंटम भी जीरो है, बट आपको इस लॉजिक से समझ में नहीं आएगा क्योंकि सबके जीरो आ रहे हैं। मेन लॉजिक क्या है? इम्पल्स का इफेक्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो फोर्स होता है वो डेल एफ जो होता है वो डेल पी बाय डेल टी होता है, ये इस वजह से, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला बनता है। मोमेंटम जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहेगा, इसलिए आपका जो मोमेंटम है दोनों का ही सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है बस इतना। जब भी फोर्स और टाइम का इस तरह से क्वेश्चन आए, फोर्स और टाइम कांस्टेंटली लग रहे हैं एक ही प्रेशर से, एक ही दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे जो रेस्ट पे हैं, तो उनके हमेशा मोमेंटम सेम रहेंगे, कंजर्व रहता है मोमेंटम, एक तरह से मान के चलते हैं, ठीक है ना, कंजर्व रहता है। हाँ हाँ, रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मेन तो बात ये है ना, जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको हम जल्दी से आंसर मार्क मान के टिक कर जाते हैं एग्जाम में, वो हमारा गलत हो जाता है। एक्चुअली तीनों देखिए, ए बी सी तीनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जो एग्जिस्ट कर रहा है वो मोमेंटम है, और वही आंसर होना चाहिए हर केस में, यही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, 16th पर जाओ, आओ भैया आओ, 16th क्वेश्चन पर जाओ। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र जो होता है उसका नाम बताना है। बताओ, विनोद आंसर दे रहे हैं ए ल्यूसीमीटर, और बताओ हाँ भाई बताओ, कृष्णा दे रहे हैं ए, संदीप दे रहे हैं ए, और ये दे रहे हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल प्री 2018 में आया था। मेजरिंग लाइट की, प्रकाश की तीव्रता को, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर अलग उससे करा जाता है, अभी जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको करा जाता है मेजर किससे, ल्यूसीमीटर से, ठीक है। क्रायोमीटर क्या होता है, जो लो टेम्परेचर्स होते हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं आप क्रायोजेनिक्स, बताया था मैंने, तो लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या होता है, क्रायोमीटर होता है। और जो काइनोमीटर होता है ये आपका क्या होता है, ये ब्लूनेस जो होती है, कह सकते हैं ब्लूनेस, जो नीलापन होता है आकाश का, स्काई जितना क्या है आपका ब्लू है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है, ब्लू कलर की इंटेंसिटी, इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है। और बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर मेजर करता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है अर्थ के सरफेस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है बैरोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, 17वें क्वेश्चन पे आओ, बताओ हु डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये किसने डिस्कवर की थी, फटाफट, ये इजी ठीक ठाक क्वेश्चन है, नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, बता दो फटाफट से इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इस आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोर, माइकल फैराडे, ठीक है। आइजैक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब दिए थे, ठीक है ना, और अल्बर्ट आइंस्टीन आंसर दे रहे हो सब, बिल्कुल सबके सब अल्बर्ट आइंस्टीन बोल रहे हो ना, हाँ बिल्कुल, इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। नील्स बोर ने 2n स्क्वायर प्रिंसिपल दिया था इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए किसी एटम के अंदर, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेट के अराउंड, ये डिस्कवर किया था, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन, समुद्री गहराई को कौन मेजर करता है इनमें से, बताओ
ठीक है। पाइडोमीटर आंसर दे रहे हो सर, पाइडोमीटर, ठीक है, पाइडोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलो, और पाइडोमीटर से करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है पाइडोमीटर, कई बार पढ़ा भी होगा, ठीक है। नैनोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, नैनोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है ना। एक नैनोमीटर में बिलियंस ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो मेजर हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर वाटर की डेंसिटी, पानी की घनत्व मेजर करने के लिए, ठीक है। भाई लेक्सोमीटर नहीं होता कुछ, है ना, वो फ्लेक्सोमीटर होता है, FLEXO, ठीक है ना। इसको हटाओ, आंसर हो जाएगा सी, क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नाम ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं होते, ठीक है। आओ 19 क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट, ठीक है। तुमने दो बुक में सर्च किया कि डिस्प्लेसमेंट वाला नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो तीनों लिखा हुआ है, उस बुक को है ना नेट पे डाल दो फोटो खींच के उसकी, आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम NCERT CBSE बोर्ड, हाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, प्रूव दिस स्टेटमेंट, आई हैव अ ह्यूज कंसर्न अबाउट दिस स्टेटमेंट, लिख के डाल दो, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। डिवाइस यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गामा, ये बताना है आपको। हाँ, इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो पता लगाने काम आती है किसके मेजरमेंट के, जो विकिरण होते हैं, रेडिएशन होती है किसका, अल्फा बीटा और गामा, कहां से निकलती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से निकलती हैं, है ना। अल्फा बीटा गामा एनर्जी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होते हैं, इनके अंदर से अल्फा निकलता है पॉजिटिव चार्ज वाला, बीटा निकलता है नेगेटिव चार्ज वाला, गामा निकलता है न्यूट्रल चार्ज वाला। बताओ 19 का आंसर क्या दे रहे हो, पोलरीमीटर, यार लैक्टोमीटर क्या आंसर दिया ये 19 का, ए बी दे रहे हैं आरजे, पोलरीमीटर और ए बोल रहे हैं अभिषेक, अमृता बोल रही है बी, कृष्णा बोल रहे हैं ए, ठीक है बिल्कुल, जीएम काउंटर है ना, ये गीगर काउंटर बोलते हैं इसको, गीगर काउंटर, ये मेजर करता है क्या अल्फा बीटा गामा की जो रेडिएशंस होती हैं उनको डिटेक्ट करता है कि अल्फा बीटा गामा कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर और रेडियोमीटर, इन तीनों के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है, इन तीनों के बारे में बता देता हूँ, देख लो। गीगर काउंटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग आयनाइजिंग रेडिएशन, ये आपने देख लिया। पोलरीमीटर क्या होता है, इज यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ रोटेशन कॉज्ड बाय पासिंग, कॉज्ड जब एंगल रोटेट करता है ना, कब, जब पोलराइज लाइट पास करती है, कहां से, थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जब भी पोलराइज लाइट जो होती है, ध्रुवीकरण जिनका होता है लाइट का, वो जब पास उनको पास कराया जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से, तब क्या होता है, जो एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल चेंज होता रहता है, उसको मेजर करता है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर में पोलराइज लाइट जो होती है उसके द्वारा जो एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होता है वो मेजर करता है पोलरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या करता है, ये तो इजी है, ठीक है, द स्टडी ऑफ जो हीट होती है, थर्म होती है, एन एपरेटस फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल, इन अ केमिकल रिएक्शन और अदर प्रोसेस, अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको मेजर करेगा। और रेडियोमीटर क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ऑफ इंटेंसिटी और फोर्स ऑफ रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन की का बल है, रेडिएशन की जो तीव्रता है उसको मेजर करेगा रेडियोमीटर, ये ध्यान रखना है। रेडिएशन की जो बल है, रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है, इसको मेजर कौन करेगा, रेडियोमीटर करेगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो 20th क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, बताओ आप इसका आंसर, अभी अपने कंसेप्ट लगाना है, इसका आंसर बताओ। इफ अ बॉल इज थ्रोन अप, एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, इनमें से क्या चेंज नहीं होगा, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, क्या चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन, स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी या डिस्टेंस, बताओ। एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है, इनमें से क्या चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज, नॉट, सिर्फ आपके आंसर देखूंगा मैं इस क्वेश्चन में। 20th का आंसर दिया है संदीप, बोल रहे हैं सी, डी बोल रहे हैं भावना, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, कमाल कर रहे हो यार, बॉल को ऊपर फेंकोगे तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा वो ऊपर तक,
और क्या आंसर दिया है, सी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। कौन कह रहा है, सी संदीप सी बोल रहे हो, कृष्णा सी कैसे बोल सकते हो, मैं किसी चीज को ऊपर उछालता हूँ, हाइट नहीं बढ़ेगी उसकी, पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होगी बल्कि, ठीक है, स्पीड स्पीड चेंज नहीं होगी। अच्छा ऊपर जाएगा कैसे अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो, यह भी गलत हो जाएगा आपका, है ना। कमलेश बोल रहे हैं ए, विनोद पूछ रहे हैं ए होगा क्या, है ना, बिल्कुल सही आंसर होगा ए, ठीक है ना। अगर आप सारे को देखो, सबके बिहाफ पे देखो, आप किसी चीज को आप रेस्ट पे था ऊपर फेंकते हो तो कांस्टेंट जो एक एक्सेलरेशन के तौर पे ऊपर जाएगा। इस मोशन को माना जाता है यूनिफॉर्म मोशन। कैसा माना जाता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, ठीक है, लेकिन अभी किसी बॉल को ऊपर फेंका गया, जस्ट बॉल ट्रेवल करी है, तो उस केस में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंसिडर किया जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ध्यान रखना, इसमें मेंशन नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन होता तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता। अभी बॉल ऊपर फेंकी गई है, बॉल जा रही है, स्पीड गेन कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है ना, स्पीड चेंज होगी, तो आंसर गलत हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी में हाइट बढ़ रही है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। डिस्टेंस तो चेंज हो ही रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है, वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आंसर होगा आपका एक्सेलरेशन। और किस एक्सेलरेशन के प्रभाव में ऊपर जा रहा है ये, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते हो ये कॉन्स्टेंट रहता है, क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। और इसी के इसी इतना ही एक्सेलरेशन ऊपर दिशा में लग रहा है, -9.8 मीटर पर सेकंड लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है ऊपर दिशा में। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नेट फोर्स कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा v माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू तो खुद ही चेंज है। आप v माइनस यू का मतलब समझते हो, v माइनस यू का मतलब होता है एक a पॉइंट है, एक b पॉइंट है, एक c पॉइंट है और एक d पॉइंट है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इतनी बड़ी, एक सेकंड में हमने चेक किया सी पे इतनी बड़ी, फिर डी पे चेक किया, एक सेकंड में इतनी बड़ी। हर सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, 10 माइनस 5 आ रहा है, वो 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकंड, इतना एक्सेलरेशन बनेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बन रहा है। इसके बाद फिर 15 में से 10 को माइनस कर दो, तो 10 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी हो गया विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बन रहा है। 10 मीटर क्यों, 10 में 15 में 10 गए 5 का बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 20 में 15 गए फिर से 5, 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकंड, फिर से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बन रहा है, तो एक्सेलरेशन रिमेंस कांस्टेंट। और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है आपका, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे अर्थ लगा रही है, उतना ही आप ऊपर लगा रहे हो, है ना, उसको नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। U is initial velocity, B is final velocity. नहीं, क्वेश्चन में कभी लिखा नहीं मिलेगा आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये बात पक्की मान लेना, क्योंकि ये CBSE 10th और 9th का एग्जाम नहीं हो रहा है, ये बात आप बिल्कुल जड़ पक्की मान लेना। आपकी बात सही है, लिखा मिलना चाहिए, पर नहीं मिलेगा लिखा हुआ, मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL 2018 में, ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर CGL से जो आए हुए क्वेश्चन से वो डाले मैंने आज कंटेंट में, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब बोल रहे हो इसके इनिशियल वेलोसिटी क्या है, UF is final velocity, then final velocity is zero, then A is equal to, final velocity zero तब होती है जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, ठीक है, इसके तब V बराबर जीरो होगा। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, फेंका गया है, इस केस में आप बोल सकते हो कि U बराबर जीरो हो सकता है जब ऑब्जेक्ट फेंका जाता है जस्ट, ठीक है, ठीक है। अभी जस्ट फेंका गया है, बाईसाइकिल स्टार्ट होती है, कोई पत्थर छोड़ा जाता है, उस केस में U जीरो होता है। When is our next class? Our next class is going to be held on the same timings, 12:30 in the morning or good afternoon or 6:30 in the evening. 6:30 को physics की class होती है और 12:30 को alternatively biochemistry चलता है, ठीक है ना। U zero है तो V से ऊपर जाएगा, तुमने बिल्कुल सही पूछा, U zero थी, U0 थी। अब जब ये ट्रेवल करेगा ना, ट्रेवल
जब ये कंटिन्यूटी में आ जाएगा, एक बाइसाइकिल ट्रेवल कर रही है, ट्रेवलिंग वर्ड आएगा, तब आपकी यू कुछ ना कुछ हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, वो बढ़ती जाएगी, फिर वहां जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी, आपने बोला एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब ये यहां पहुंचा, तो बता रखा है कि यहां पे इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में ये वी कंसीडर कर लेते हैं, ये यू कंसीडर कर लेते हैं, अगर दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो सिर्फ यू होगा या वी होगा, एक बात होगी दोनों में से, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज आपको समझा, एक बार फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो मैंने फर्स्ट सेशन लिया है अपना आज तक का, पहली बार यूट्यूब पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एक बार जाके उसको देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट सही हो जाएंगे। मैं एक बार मोशन का और ले लूंगा बोलोगे तो, ठीक है ना। अभी मैं इसमें एमसीक्यूज में ऐसी चीज में पढ़ा रहूंगा तो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ इसी वक्त, लेकिन टाइम नहीं है, अभी 15-16 एमसीक्यूज और हैं, उसे कंप्लीट करना है आज। ठीक है, हाँ, यू जीरो होगा और कुछ स्पीड के साथ ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन चेंज करेगा ना सर? बिल्कुल करेगा चेंज, पर किस तरह से चेंज करता है? हर 5 सेकंड में अगर सेम चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, हर 5 सेकंड में। किसी भी चेंज को पता करने के लिए आपको समय सेम रखना पड़ता है, आप हर 5-5 सेकंड में चेक करोगे तब पता लगा पाओगे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है या एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, 21 पे आ जाओ, 21st क्वेश्चन पे आ जाओ। If a body is moving on circular path, एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है ना, what is its average velocity, इसकी औसतन वेग कितनी होगी अगर वो कंप्लीट करती है एक साइकिल इन 1 सेकेंड, अगर वो एक साइकिल कंप्लीट करती है यहां से लेके यहां तक का, ए से जाता है, लौट के आता है, फिर इसी पॉइंट पे आके आ जाता है, एक साइकिल यानी 2πr होती है, एक साइकिल एक सेकेंड में कंप्लीट करती है, 2πr/time, है ना, ऐसा कुछ होता है, तो ये वेलोसिटी पूछ रहा कितनी होगी, बताओ बताओ आंसर। क्वेश्चन में जो लिखा है व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी, ये पूछ रहा है, बताओ। मैंने आपके सामने कुछ लिखा है ना, एवरेज वेलोसिटी सेम एज एवरेज स्पीड। अच्छा, और अभिषेक सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं अभी पता लग जाएगा। अभिषेक बोल रहे हैं जीरो, ठीक है, और ये बोल रहे हैं सिंग इज किंग, ओके सिंग इज किंग, आप बोल रहे हो सी सेम होती है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, उस केस में जब एक चक्कर लगा देते हैं अपन। अच्छा ठीक है, ये कई सारे लोग ये वाला आंसर दे रहे हैं, और संदीप बोल रहे हैं जीरो, जीरो बोला अभी तक अभिषेक ने और संदीप ने, ध्यान से देखना अपनी बात को, अपनी बात से पीछे मत हटना, कोई सोच के बोला हुआ आपने जो भी आंसर दिया होगा, क्वेश्चन जो पढ़ लिया आपने ढंग से, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा, है ना। जीरो आंसर दिया किसने, और अमृता जीरो बोल रही है, आरजी जीरो बोल रहे हैं, विनोद भी जीरो बोल रहे हैं, और कृष्णा फिर से बोल रहे हैं सी सी, फिर से एक और आंसर आ गया। देखो भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक चीज होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आप बोलते हो वेलोसिटी वेग, ठीक है, इसको आप बोलते हो स्पीड, ठीक है, इसको आप चाल बोलते हो, ठीक है। अब एक चक्कर इसने यूं करके यहां से लेके यहां तक काटा, काट लिया चक्कर, उस केस में इसका 2πr काउंट होगा, और 2πr एक डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को मैं अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलूंगा, सबसे छोटा डिस्टेंस, ये इतना घूम के क्यों आया, जब इसको इसी पॉइंट से स्टार्ट करना था, इसी पॉइंट पे खत्म करना था, एक चक्कर मारना था ग्राउंड का, तो घूम के क्यों आया, ये हिलेगा ही नहीं जगह से, वो हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो और समय एक सेकंड दे रखा है, स्पीड पूछी होती है एवरेज स्पीड, तो 2πr/1 सेकंड होता, स्पीड के केस में 2πr आंसर होता, वेलोसिटी के केस में जीरो आंसर होगा, आंसर हो गया चौथा। ठीक है, अगर आधा चक्कर का क्वेश्चन पूछेगा, आधा चक्कर का, तो आधे चक्कर में क्या होगा, अगर आधा चक्कर पूछे यहां से ए से बी तक जाना है, बस ए से बी तक जाना है, उस केस में बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बताओ। अगर पूछे हाफ चक्कर लगाता सर्किल का, उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के आंसर दो, बताओ जल्दी से आंसर दो फटाफट से, एक सेकेंड का भी आंसर नहीं है इसका। हाँ बताओ, एवरेज वेलोसिटी बता रहे हो आप, आर अभिषेक, पाई आर संदीप ने आंसर दिया, पाई आर एवरेज स्पीड दे रहे हैं शायद ये, ठीक है। ठीक है, हुआ डी राइट है। चलो देखो भाई, अगर आधे चक्कर का हाफ रेवोल्यूशन का पूछेगा तो ये रेडियस होती है यहां से यहां तक, तो ये भी रेडियस होगी, जब डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो आपको पूरा यहां से लेके इसको चलवाना पड़ेगा पूरा रास्ता,
आधे चक्कर का डिस्टेंस तो हो जाएगा पाई आर बटे एक, आंसर हो जाएगा पाई आर फॉर हाफ रिवॉल्यूशन। और वेलोसिटी पूछेगा, एवरेज वेलोसिटी आधे चक्कर की, तो ये यूं इतना क्यों घूमेगा, ये सीधे जाएगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विस्थापन होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, आर प्लस आर, टू आर हो गया, तो टू आर होगी एवरेज वेलोसिटी आधे चक्कर की और पाई आर होगी एवरेज स्पीड आधे चक्कर की, ठीक है। वो थ्री फोर्थ चक्कर भी बोल सकता है, इतना बोल सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं इसी के, इसी पे, अगर बोलता है 3/4 रिवॉल्यूशन पूरा करता है 75%, यानी कि यहां से स्टार्ट करता है, यहां से स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, और यूं घूमता घामता कहां तक जाता है, यहां तक जाता है ना, बी और सी यहां तक जाता है, इस पॉइंट तक जाता है, रुक जाता है। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी इस केस में, ये आपको बताना है। हाँ हाँ टू आर बाय टी वेलोसिटी होगी, टू आर बाय टी होगी, टू आर तो ये यहां से लेके यहां तक ये हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वेलोसिटी के टाइम पे वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, देखो डिस्टेंस तो पूरा यहां से लेके यहां तक जाएगा, है ना, ये कितना क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट कितने हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है ना, टू पाई आर है ये, तो तीन क्वाड्रेंट पूरे करेगा, तो टू पाई आर बटे तीन कर सकता हूं मैं भाई, टू पाई आर पूरा तो करेगा नहीं, है ना, या फिर बोल सकता हूँ 3/4 ऑफ 2πr, ऐसे बोल सकता हूँ 3/4 ऑफ 2πr, 2πr अपॉन 3 नहीं करूंगा, वो तो उसका 66.67% निकल आएगा, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ जो 2πr है उसका जो एक क्वाड्रेंट जो होता है 1/4 होता है, क्वार्टर होता है, तीन क्वाड्रेंट कितने होंगे, 3/4 होंगे, इतना एरिया कवर करेंगे, तो 3/4 का गुणा कर देता हूँ इसमें, ये आपकी क्या हो गई डिस्टेंस हो गई, डिवाइड बाय क्या हो गया टाइम हो गया, ठीक है, हो गया नहीं हो गया, आंसर क्या होगा, टू टू जा 3/2πr आपकी एवरेज स्पीड होगी तीन चौथाई चक्कर में, यानी 75% जब कवर करेगा, 3/2πr यानी कि 1.2πr आंसर होगा एवरेज स्पीड का, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, 1/4 नहीं 1/2। अब एवरेज ये किसका है, एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, बहुत आसान है, सीधे ए को सी पे पहुंचाओ, यहां से यहां तक ए को सी पे पहुंचा दो, ये यहां पे 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस से निकाल लो, ये आर है, ये आर है, तो ये आर रूट टू हो जाएगा, पाइथागोरस से जो ए सी का डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो आर रूट टू हो जाएगा, है ना, तो ये आर रूट टू डिवाइड बाय 1 सेकेंड, तो रूट टू आर इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, √2r इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, 3/4 ऑफ 2πr, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है ना, एक क्वाड्रेंट 1/4 हिस्सा कवर करता है एरिया, और 3/4 करते हैं, और 4 जो होते हैं वो 4 × 1/4 होते हैं, इसलिए वो पूरा बना जाता है सर्किल, ठीक है, क्लियर है वाली चीज। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलो 22nd पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 22nd क्वेश्चन है। अब बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है, ऊपर अपवर्ड, ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, उसकी उसका वेग क्या होगा जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, ये इसको यहां से लेके यहां तक फेंका गया है और इससे ऊपर कोई जगह नहीं है, छत है, तो इस जगह पे इसका वेलोसिटी क्या होगी, पूछ रहा है, जल्दी बताओ, हाँ बताओ फटाफट, क्या वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है, जीरो होगी, इस क्वेश्चन को कहीं पे डन करता हूं मैं, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अब तो आगे जा नहीं पाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 m/s, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने वाली कोई बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, सबने जीरो आंसर दिया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है कोई डाउट, सबको इसका आंसर पता है, ठीक है, 23rd पे आ जाओ, व्हाट विल हैपन टू द फोर्स, आपको बताना है व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनकी फोर्स को क्या होगा जब ये जो है विच आर रिलीज्ड आफ्टर बीइंग हेल्ड
नियर ईच अदर, पहले इनको ऐसे पकड़ रखा था किसी ने दोनों पॉजिटिव चार्ज को ऐसे करके, और जैसे इनको छोड़ा तो इनकी फोर्स क्या होगी, इनके आप बीच की जो फोर्स होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी, या पहले बढ़ेगी और फिर मैक्सिमम तक जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ेगी फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, ऐसे बोल रहा है, बताओ। पहले बढ़ेगी फिर उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। विच आर रिलीज्ड, छोड़ने के बाद का पूछ रहा है, आपने ऐसे पकड़ रखा था अब छोड़ दिया है बस, अब क्वेश्चन पढ़ो। विच आर रिलीज्ड आफ्टर बीइंग हेल्ड नियर ईच अदर, दो धनात्मक आवेशों के बीच क्या बल होगा जब एक दूसरे के पास होने के बाद मुक्त किए जाते हैं, मुक्त कर दिया है उसके बाद का सीन पूछ रहा आपसे क्या है, ठीक है ना, ज्यादा डीप मत सोचो, नॉर्मल सोचो, मुक्त कर दिया अब क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, आंसर दे रहे हो आप क्या, 23rd का आंसर दिया है, आरजे ने दिया डी, ठीक है, शेफाली कह रही है डी, शेफाली डी, वो होगा नहीं होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, अभी आप पहले बताओ आपका आंसर क्या है, ठीक है। विनोद कह रहे हैं 23 का 4, आरजे डी बोल रहे हैं, भावना डी बोल रही है, सिंह स्किंग डी, अभिषेक, अभिषेक ने आंसर दिया है ये, एंड अभिषेक आपका आंसर बहुत ज्यादा करेक्ट है, 100% सही बात है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। यार एक बात बताओ, ये रिपल्सिव फोर्स लगेगी इसमें, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे से, जब इनको छोड़ोगे तो ये यहाँ भागेगा वो वहां भागेगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा ये यहाँ पहुंच जाएगा, अब इनके बीच की दूरी जो है आर जो है वो इंक्रीज करेगी, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, चार्जेस का, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो जब रेडियस आप बढ़ा दोगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स तो घटेगी ना, क्लियर है, कहां क्या लॉजिक लगाया कि पहले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मैंने बोला मैं उसको उसको फोर्स उसको ऐसे दबाया नहीं जा रहा, पहले वो दबा हुआ था पहले से ही, तो छोड़ा है अब वो दूर तो भागेंगे, बताओ अब वो दूर भागेंगे नहीं भागेंगे, दूर भागने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला आप जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस। हाँ जी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, चलो किसी को डाउट हो हाँ तो पूछ लेना इसका कोई भी चीज, 24th पे आ जाओ। अपोजिट चार्जेस होते तो फोर्स बढ़ जाता, बताओ इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कुछ इस तरह का मोशन होता है, कोई बॉल फेंकते हैं अपन इस तरह से जो मोशन होता है, इस मोशन में क्या होता है ये पूछ रहा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज, कितनी दूर तक ये बॉल फेंक रहे हैं पत्थर फेंक रहे हैं जाएगा, तो ये रेंज जो होगी इसकी ये सेम होगी व्हेन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज अचीव्ड, सेम कब दोनों की रेंज सेम होगी, व्हेन वेदर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट थीटा, अगर किसी थीटा एंगल से, है ना, किसी थीटा एंगल से इसको फेंका गया है ना, इसको किसी थीटा एंगल से फेंका गया है, तो इसने कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री बनाई है, ये समझो आप इस तरह से घूम के जा रहा है पत्थर, थीटा एंगल से फेंका गया है, या एक और एंगल कौन सा ऐसा हो सकता है जिससे इसकी रेंज सेम निकल गया है, एक और एंगल कौन सा ऐसा हो सकता है, आप बोल रहे हो 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, देखो जो रेंज होती है वो आर होती है, म्यू टू साइन टू थीटा अपॉन अपॉन एच, है ना, इसका ऊपर का जो ये चीज है ना इसको देखो, ये फॉर्मूला होता है म्यू टू साइन टू थीटा, अब साइन टू थीटा में अगर आप थीटा रखते हो, मान लो 30 डिग्री रखा मैंने, तो ये साइन 32 जा 2 × 30 करोगे तो क्या बनेगा, साइन 60 बनेगा, है ना, आप बोल रहे हो 180 डिग्री माइनस थीटा रखता हूं मैं यहाँ पे, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी क्या, √3/2, अगर मैं इस जगह पे थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रखता हूँ, मैंने थीटा माना था 30, 180 माइनस 30 करता हूँ तो यहाँ पे 150 आ जाएगा, 150 × 2 हो जाएगा 300, और 300 की वैल्यू साइन 60 के बराबर नहीं हो सकती, है ना, 300 जो साइन 300 होता है उसकी वैल्यू अलग ही आएगी, अगर मैं यहाँ पे 90 माइनस थीटा का इस्तेमाल करता हूँ, किसका, 90 डिग्री माइनस थीटा का, ये आंसर किसने दिया है, अच्छा दिया है ये आंसर, 24th का आंसर डी दिया है, अमृता ने दिया है, वेरी नाइस, आरजे ने दिया है, हाँ मैक्सिमम रेंज 45 तभी आती है, मैं आपको बताता हूँ इसके, क्योंकि आप
थीटा लो चाहे 90 माइनस थीटा लो, आंसर वही मिलेगा आपको, सेम टू सेम रेंज वही मिलेगी आपको हमेशा। 90 माइनस थीटा इसका आंसर होगा करेक्ट बिल्कुल, क्योंकि आप 90 माइनस थीटा का इस्तेमाल करोगे तो 90 माइनस 30 करके देखो, आपने थीटा माना है 30, लेट सपोज 30 माना है तो 60 आ जाएगा, है ना। और जो 60 इंटू 2 करोगे आप तो साइन 2 थीटा की वैल्यू जो आएगी साइन 120 आएगी, साइन 120 आएगी, ठीक है ना। और साइन 120 की वैल्यू भी क्या होती है आपकी, रूट 3/2 ही होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, यानी उसके उसी के वो आ जाएगा। ये क्या बोलते हैं आप इसको, पाई बाय 3 बोलते हो, ठीक है। इसको आप 2π/3 बोलोगे, फेस चेंज होगा सेम रहेगा 2π/3, ठीक है ना। फिर इस तरह से आप 180 डिग्री उसके बाद ही चेंज होता रहता है, पाई बाय 3 का इसमें चेंज आता रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 90 माइनस थीटा और थीटा पे वैल्यू सेम होगी सबकी। 25th पे आ जाओ, आंसर का फोर्थ हमने आंसर किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब फिर से आंसर करो जल्दी से। इफ अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस, एक बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड करती है, जैसे चप्पल चप्पल घसीटती जमीन पे ऐसे स्लाइड कर रही है, तो जो फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन, उसके विरुद्ध जो फोर्स लगेगी, स्लाइड कर रहा हूं मैं किसी चीज पे, फिसल रहा हूं मैं फिसल पट्टी पे, तो मेरे अपोजिट जो फोर्स लग रही है ना मोशन जब मैं कर रहा हूं, तो बिटवीन देम इज कॉल्ड, उस फोर्स को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ फटाफट से। अभी भाई हाँ लाइक वाइक कर दो यार, अब क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं मैं आज पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छे क्वेश्चंस है सारे, ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के एग्जाम वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आज मैंने जो लिए सारे सीजीएल वाले क्वेश्चंस है, टोटल सीजीएल मेंस और प्री दोनों 2018 सन 2019 के पूरे एक्सप्लेनेशन है आज के सेशन, ठीक है ठीक है। 20 का आंसर होगा फ्रिक्शन, बिल्कुल घर्षण बल होगा, ठीक है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा किससे ज्यादा होती है, रोलिंग रोलिंग फ्रिक्शन से, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू अ ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन होती है, ठीक है। हाँ चलो आओ 26 पे आ जाओ, 26 पे आ जाओ। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी मतलब कौन सी पूछ रहा है, ये अदिश पूछ रहा है, स्केलर कौन सी है ये पूछ रहा है, स्केलर कौन सी है पूछ रहा है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती। बताओ वर्क, ठीक है वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स आपकी होती है वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर इनटू वेक्टर सेम क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है तो बन जाती है स्केलर, ठीक है ना। और जो वर्क होता है उसका कोई उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसकी सिर्फ एक वो होती है मैग्नीट्यूड। आंसर क्या होगा 26 का, क्या आंसर होगा, वर्क आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहली बार में अपन को आंसर मिल गया फोर्स, क्लियरली फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी मास क्या है स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और जो अपोजिट मल्टीप्लीकेशन होता है डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमेशा वेक्टर होता है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है डायरेक्शन होती है। अगर कोई इंसान यहां से यहां जा रहा है, कवर कर रहा है इतना डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे करेगा, ऐसे करेगा नहीं, डायरेक्शन दे देगा। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट छुपा हुआ होता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर से बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिवाइड करोगे टाइम, समय क्या है एक जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर है। फिर अपोजिट आप डिविजन करोगे क्वांटिटीज का, चाहे मल्टीप्लीकेशन करो, हमेशा आंसर आएगा वेक्टर, ठीक है ना। इसलिए स्केलर क्वांटिटी कौन सी हो गई, वर्क, वर्क इसमें सेम डॉट प्रोडक्ट था हमेशा स्केलर आएगा, अपोजिट मल्टीप्लिकेशन हो चाहे अपोजिट डिवीजन हो, अपोजिट का v बाय s हो, s बाय v हो, या s इनटू v हो, v इनटू s हो, हमेशा वेक्टर आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वर्क, ठीक है। इसको रटना नहीं है, इसको रटने की सोचना मत, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा घूम के ही आएगा, बस आपको पता होनी चाहिए किसकी डायरेक्शन है किसकी नहीं है, नॉर्मल चीजों की डायरेक्शन। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक ग्राम मास है, तो मास क्या होता है, मास की कोई दिशा होती है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है। चलो 27 पे आ जाओ। हाँ भाई, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है ये बताना है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ये बोल रहा है टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी जो पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है ना, पहले डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है फिर हमेशा इंक्रीज करती रहती है,
टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल्स हमेशा क्या होते हैं, कोई चीज यहां से अगर यहां जा रही है, यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है, ठीक है, तो जो ए पॉइंट पे वेलोसिटी है एक टर्मिनल है, और ये बी पॉइंट है ये एक टर्मिनल है, ये हमेशा क्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्या आंसर होगा, कॉन्स्टेंट। टर्मिनल्स की वेलोसिटी पूछ रहा है, वो पाथ की वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, तो आप में ज्यादा इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं, आपको पता है टर्मिनल क्या होता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा बी इज कॉन्स्टेंट ऑलवेज, क्या आंसर होगा, हाँ ठीक है ना, इज कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो 28th पे आ जाओ, ट्वेंटी कौन सा है, 8th, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, एक बॉडी में अगर हम लेंथ में चेंज करते हैं, एक स्प्रिंग है ऐसे करके, है ना, इसको अपन लोगों ने यहाँ खींचा तो अभी इतनी लंबी खींच चुकी है, ठीक है ना, इसके अंदर एक लेंथ में चेंज आ गया, पहले इसकी लेंथ थी मान लो x, अभी x प्लस x वन हो गया, यानी चेंज हो गया कुछ, बढ़ गई लेंथ, है ना, तो बोल रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चेंज इन लेंथ होती है, इसे बोलते हैं आप डेल x, है ना, डेल x, डेल x कितनी हो गई इसमें से, x1 प्लस x माइनस ऑफ x, x1 प्लस x है, इसमें से अगर आप ये x घटा दोगे, x यहां से यहां तक की दूरी है, तो आपकी ये चेंज इन लेंथ ये वाली जो होगी ये आ जाएगी, इसको आप बोलते हो डेल x, है ना, ये ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा है ना, तो ये क्या आंसर आएगा इसका, यहां से कटेगा, डेल x की वैल्यू क्या है, x1 है, तो डेल x जो चेंज इन लेंथ होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट, जो फोर्स लगाई है आपने उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स जैसे बढ़ाते जाओगे वो डेल x चेंज इन लेंथ बढ़ता चला जाएगा, ये कौन सा लॉ होता है, कौन सा लॉ होता है ये, हाँ है ना, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स बोला जाता है, माइनस साइन होता है, जो फोर्स लगती है वो जो इसकी जो आप फोर्स लगाओगे इस दिशा में, जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है वो अपोजिट लगाएगी, जैसे छोड़ोगे वो अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये किसने दिया था ये लॉ, हुक्स लॉ, बी आंसर कितने लोगों ने दिया, सबने, ज्यादातर लोगों ने बी आंसर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, तो ये आंसर क्या होगा, हुक्स लॉ इसका आंसर होगा, ठीक है, 28 का बी, ये भी ध्यान रखना है, f is equal to minus kx, इसमें minus sign जो होता है opposite direction show करता है, 29th पे आ जाओ, अब बताओ, which among the following is a vector quantity, बताइए, सदिश राशि कौन सी है इसमें से, जिसके पास magnitude भी हो और direction भी हो, दोनों ही होने चाहिए, बताओ, बी किया था आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था, बी था, बिल्कुल सही, तो बी किया था सही है, शेफाली अमृता, शेफाली ने आंसर दिया एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, यानी कुछ एंगल पे घूम रहा है, सर्किल में घूम रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी, ऐसा बोला है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, बताया था अभी, वेलोसिटी डायरेक्शन होती है, मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा अपोजिट का प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, अगर आपने इस लॉजिक से इसका आंसर निकाला तो कभी आंसर गलत नहीं निकलेगा, एंगुलर मोमेंटम आंसर हो जाएगा, हीट क्या होती है, हीट की डायरेक्शन ही नहीं होती है, आपको पता है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो हीट की, अगर आप हीट का फॉर्मूला भी निकालोगे तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है, पावर इंटू टाइम होता है, और पावर इंटू टाइम क्या होता है, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर इंटू स्केलर क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है ना, स्केलर इंटू स्केलर स्केलर होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, वर्क अभी बताया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया, और फोर्स जो होगी आपकी वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बोला जाता है वैसे तो, वेक्टर इंटू आप करोगे स्केलर, वेक्टर इंटू वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर इंटू वेक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर स्केलर आ जाएगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, अपोजिट का ऑलवेज स्केलर, जो भावना बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, तुम्हारा कमेंट जा रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, ठीक है ना, और सेम का ऑलवेज वेक्टर, इस तरह से आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, आंसर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है भैया, सेशन को लाइक करते रहना, मैं क्वेश्चंस पूरे कराऊंगा, थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए, और थोड़ा शेयर कर देना जिससे और भी लोग जुड़ सकें, और इसमें
पार्टिसिपेट कर सके और सीख सके चीजों को। ठीक है, 30th क्वेश्चन पे आ जाओ। 30 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व, या बोल सकते हैं आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है ये बताना। आठ बजे क्लास लेनी है। अच्छा ठीक है, बस मेरे क्वेश्चंस अभी ऐसे होंगे, 4-6 क्वेश्चन और होंगे, 4-5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लेनी है तो ले सकते हो, नहीं तो फिर इसको बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, क्या आंसर दे रहे हो इसका, शेयर कर दो। शेयर कर दिया शिपाली, थैंक यू, है ना। देखे तो सही, और क्या क्या हो सकता है इसमें, और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। किलोग्राम मीटर पर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब बता रहे हो रिलेटिव यूनिट की। अच्छा अच्छा, नो यूनिट। जिन लोगों ने आंसर दिया है यूनिट लेस, सबके सही आंसर है। डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। भावना ने दिया आंसर डी, आरजे ने दिया डी, और किसने दिया है डी, सिंगिस किंग ने डी दिया है, बाकी अभिषेक ने डी दिया है, और डी वाले संदीप भी हैं। ठीक है, सही कर लो इसको बिल्कुल। रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, किसी के रिलेशन में। रिलेटिव वेलोसिटी भी तो होती है ना। जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है, दो ट्रेन, मैथ्स में पढ़ते हो, जो दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तो वेलोसिटी माइनस हो जाती है, VA माइनस VB हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आती है तो क्या होता है, VA प्लस VB हो जाता है, होता है नहीं होता, तो साथ में चलते हैं। ऐसे ही रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, एल्यूमिनियम, आयरन, कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसकी भी किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब होगी, इसकी भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, दोनों कट जाएंगे। रेशियो का हमेशा यूनिट क्या होता है, यूनिट लेस होता है, रेशियो अनुपात जो होता है। आंसर क्या होगा, 30 का 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 31 पे। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डैश ओनली एंड नो डैश आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन ये पढ़ लो आप, इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। जिसके पास कुछ तो है ओनली और कुछ नहीं है, हाँ क्या है क्या नहीं है ये आपको बताना है। हाँ भाई, 31 का ए डायरेक्शन है, या फिर जो अदिश राशियों पर डायरेक्शन होती है, ऐसा बोल रहे हो। बहुत सारे लोग एक आंसर दे रहे हो जल्दी जल्दी में। अभिषेक का आंसर सही है, एसके का आंसर सही है, अमृता का आंसर सही है, और सिंगिस किंग का आंसर सही है, और ए आंसर क्यों दे रहे हो भैया। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, स्केलर क्वांटिटीज बोल रहा है ना। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर इनटू स्केलर स्केलर होता है, स्केलर इनटू वेक्टर स्केलर होता है, ये सब स्केलर होते हैं, जो अपोजिट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। बताया था अभी, ये देख लो अपोजिट प्रोडक्ट क्या होते हैं, नहीं सेम प्रोडक्ट होते हैं, सॉरी एक मिनट रुको 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 रुको, कंफ्यूज मत करो, अभी बताया था ना पूरा, ये इसको मिटाओ, ये लो अपोजिट नहीं सेम, ठीक है। वो तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, बताया था ना थोड़ी देर पहले भी, पूरा समझाया था। देखो स्केलर इनटू स्केलर स्केलर होता है, वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर होता है, ये स्केलर क्वांटिटीज होती है, और इनके पास क्या होती है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो एंड नो डायरेक्शन यहाँ जाएगा और मैग्नीट्यूड होता है इनके अंदर सिर्फ, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 32nd पे आ जाओ, बताओ इसका आंसर। बस दिख रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज इंपल्स इक्वल टू, इंपल्स किसके इक्वल होता है बताना, बताओ इंपल्स किसके इक्वल होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था, लॉजिकल क्वेश्चन था, जिसमें आपकी बात नहीं बन पा रही थी कि विच दो ऑब्जेक्ट है, इन पे मास अलग अलग है, फोर्स सेम लग रही है, रेस्ट पे है, उसमें एक आंसर निकल गया था, मैं आपको उस टाइम पे समझा रहा था एक चीज, है ना। इंपल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन फोर्स, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन। इंपल्स होता है आपका फोर्स इनटू टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। चेंज इन मोमेंटम देखते हो तो आप बोलते हो एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, तो ये एम इंटू ए हो जाएगा, इसको आप बोल सकते हो चेंज इन मोमेंटम को फोर्स। चेंज इन मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, चेंज इन मोमेंटम है तो आप बोल सकते हो एम वी माइनस यू, ठीक है। वी माइनस यू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ है नहीं, इसको आप क्या बोल सकते हो, चेंज इन मोमेंटम को, इसकी यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड,
और चेंज इन फोर्स क्या होगा, एम ए, एम ए माइनस एम ए, ये अलग चीज है, वेलोसिटी का चेंज कुछ नहीं होगा, एक्सेलरेशन चेंज, आंसर क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम आंसर होगा, बिल्कुल, क्योंकि यूनिट सेम है ना, इस वजह से सेम माना जाता है। इसकी यूनिट जो है न्यूटन इंटू सेकेंड होती है इम्पल्स की, न्यूटन को बोलते हो आप मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, है ना, तो न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक और सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड गया, यूनिट बन गई इम्पल्स की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और आप मोमेंटम की यूनिट देखोगे यहाँ से तो क्या आती है, मास गुणा वेलोसिटी, मास होती है किलोग्राम, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज होती है, वो सेम ही कहलाती है, ध्यान रखना हमेशा, दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है। चलो थर्टी थ्री, एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं आज के, फटाफट से कर लो 33 पे आ जाओ। आओ, आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी है इसके ऊपर, अगर कोई आइस फ्लोट कर रही है, बर्फ फ्लोट कर रही है, तो वाटर इन अ वेसल, है ना, एक बर्तन के अंदर पानी है, उसमें बर्फ फ्लोट कर रही है, तो वाटर और वो मेल्ट हो जाती है, गल जाती है, तो वाटर का लेवल वो जो वेसल में होगा वो क्या होगा, बताओ, डज नॉट चेंज, जितना जितनी बर्फ गलेगी उतना ही वो वेट डिस्प्लेस कर लेगी जितना पहले वाटर का था, है ना, अभी जो वाटर का वेट था उसमें जो ये बर्फ गल के, जितना बर्फ गली है उतना उसका वेट लूज हुआ है, और गल के वो वेट कहाँ चला गया, यहाँ से माइनस हो गया, और वो यहाँ पे उसका वेट जो है वो एड हो गया, तो बात तो वही रही, बात तो वही रही, आंसर क्या होगा, डज नॉट चेंज, 33 का सेकेंड आंसर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट इस पर आ जाओ, इसको कंप्लीट कर लो। व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूड, एक आइडियल फ्लूड जो होता है किसी आदर्श द्रव्य की श्यानता कितनी होती है, बताना है आपको। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया, कुछ कुछ पूछना है, हेलो हाय वेलकम, अब जाने वाले हैं, टाइम हो गया सर, बताओ कुछ आपको क्वेश्चन पूछना तो पूछो, इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट, एक आइडियल फ्लूड जो होता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है। पहली बात तो आइडियल फ्लूड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि कोई भी फ्लूड होगा वो थोड़ा सा विस्कस ही होता है, ठीक है ना, एकदम से फैला हुआ फ्लूड नहीं होगा, विस्कस होगा ही होगा, ठीक है ना, विस्कस होगा, फैला हुआ होगा, ठीक है, तो ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इसकी विस्कोसिटी मानोगे तो वो जीरो मानी जाती है, और जितने भी फ्लूड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी जो होती है, जिसको हम म्यू बोलते हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी ग्रेटर देन जीरो मतलब वन के आसपास, वन से ऊपर होता है, उनको आप रियल फ्लूड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल फ्लूड्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रियल फ्लूड्स। कोई पूछे रियल फ्लूड्स क्या होते हैं, इनकी विस्कोसिटी जीरो से ज्यादा होती है, और जो जीरो होती है वो आइडियल फ्लूड की होती है। आंसर क्या हो गया इसका, 34th का आपका क्या आंसर हो गया, जीरो, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत देर से अपन इस सेशन को कर रहे हैं कंप्लीट। और वाटर कैन बी कंसीडर्ड एज आइडियल फ्लूड, बट एग्जैक्टली वाटर अपन को प्योर स्टेट में कम मिलता है ना, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, रेन वाटर हो गया, इसलिए उसको भी नहीं करा जाता है, तो फ्रेश वाटर जो होगा वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा, क्वेश्चन बहुत सारे कराए, सीजीएल प्री के क्वेश्चन थे, ज्यादातर क्वेश्चन जो थे जो आ चुके हैं 18-19 में, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, कल सुबह 12:30 बजे सेशन चलेगा बायोकेमिस्ट्री का, अल्टरनेट चलता है, शाम को 5:10 पे अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो, फ्री क्लासेस जो हैं वो फ्री होती हैं, उसमें पे नहीं करना पड़ता है, और आपका जो है लाइव उसमें जो है पोल चलता है, और आपका उसमें फ्री टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो आप दे सकते हो, उस सभी को अनलॉक करने के लिए ये कोड आप डाल देना, जिससे आपकी अनलॉक हो जाएगी, और इस पे जो ये है RAJAT PARE को सर्च कर लेना SSC फ्री क्लासेस में जाके, और 5:10 के आसपास क्लास स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको पता करना है कब टाइम चेंज कर दिया, कुछ चेंज हो गया शेड्यूल, तो आप क्या कर सकते हो, उधर फॉलो के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना, और नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपके पास मोबाइल पे मैसेज के रूप में शेड्यूल पहुंच जाएगा हर बार, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू भावना, थैंक यू अमृता, थैंक यू कृष्णा, ठीक है, सब सभी लोग, SK, बहुत सारे लोग हैं, RJ, सब लोगों को नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, अच्छे सेशन लेके आएंगे फिर से कंटेंट बना के, ठीक है ना, चलिए ठीक है।